बर्मन पाको के दिए हुए बायोस्कोप में इमेजेस को आगे से पीछे की तरफ रिवाइंड करने लगता है कि तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसे अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं होता। वहां प्रेजेंट सभी इमेजेस के बीच में सुमेरे की भी एक इमेज थी जिस पर लिखा हुआ था, आई लव यू परमैन। पाको ने क्लियरली यहाँ पर मित्सुओ के सामने अपने दिल की बात रख दी थी, पर मित्सुओ ठीक तरह से इसको नहीं समझ पाता और ये पॉइंट शायद आगे जाकर उसकी लाइफ को काफ़ी बुरी तरह से ट्रिगर्ड भी कर सकता है। ये देखकर मित्सुओ पूरी तरह कन्फ्यूज हो चुका था, उसके चेहरे पर किसी भी तरह का रिएक्शन तक नहीं आ पा रहा था। उनकी स्पेसशिप्स ऑटो पायलट मोड पर थी लेकिन मित्सुओ फिर भी किसी भी तरह का सिग्नल नहीं दे रहा था। अब बर्डमैन को मित्सुओ की चिंता होने लगती है क्योंकि उन दोनों के बीच लास्ट कम्युनिकेशन के बाद काफ़ी टाइम निकल चुका था। अब बर्डमैन मित्सुओ की शिप के पास चेक करने के लिए जाते हैं। वो देखते हैं मित्सुओ काफ़ी गहरी सोच में खोया हुआ है। वो बोलते हैं, बर्ड नाइट मित्सुओ, मैं तुम्हारी शिप के पास हूँ, तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? मित्सुओ कहता है, आई एम सॉरी बर्डमैन, मैं कुछ सोच रहा था। ओके, लेकिन बी केयरफुल, यहाँ स्पेस में ध्यान ना देने पर काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। इतना कहते हुए बर्डमैन अपने पाथ पर आगे बढ़ने लगते हैं और मित्सुओ भी उनको फॉलो करने लगता है। धीरे धीरे मित्सुओ और सुमेरे के बीच का फासला बढ़ता जा रहा था, पर अभी भी वो दोनों एक दूसरे से अपने इमोशंस के थ्रू कनेक्टेड थे। मित्सुओ और बर्डमैन अब बर्ड प्लैनेट रीच करने ही वाले थे। बर्डमैन मित्सुओ को कॉल करते हुए कहते हैं, मित्सुओ अब हम पहुँचने ही वाले हैं, अब तुम शिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। एंड विद इन 10 मिनट्स मित्सुओ और बर्डमैन बर्ड प्लैनेट पर लैंड कर जाते हैं। बर्डमैन तो अपनी शिप से बाहर निकल चुके थे पर मित्सुओ अभी भी अपनी शिप में बैठा हुआ था। वो अभी भी पाको के ख्याल में खोया हुआ था, वो बस उसी के बारे में सोचे जा रहा था। बाहर खड़े सभी लोग बस मित्सुओ की राह देख रहे थे। अब बर्डमैन मित्सुओ के बैच पर कॉल करते हुए कहते हैं, मित्सुओ तुम बाहर क्यों नहीं आते? मित्सुओ कहता है, जी बर्डमैन मैं अभी आता हूँ। और वो बायोस्कोप को अपने दिल से लगाकर पॉकेट में रखते हुए शिप से बाहर निकल जाता है। मित्सुओ को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं। बट प्लैनेट के एक हाई रैंक ऑफिसर मित्सुओ का स्वागत करने के लिए आगे आते हैं। वो कहते हैं, बट प्लैनेट में तुम्हारा स्वागत है बच्चे, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि यहाँ रहने के बाद तुम किसी भी तरह से अपनी अर्थ को मिस नहीं करोगे। और वो मित्सुओ को लेकर अपने हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो मित्सुओ को बर्ड प्लैनेट के बारे में काफ़ी सारी बातें बताते हैं। मित्सुओ भी उनकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रहा था। काफ़ी देर तक नॉर्मली बात करने के बाद वो मुद्दे पर आते हैं। अब वो मित्सुओ को उसके यहाँ आने के मेन रीज़न से रूबरू करवाते हैं। वो कहते हैं, मैं जानता हूँ ये सब जानकर तुम्हें थोड़ा सा डर लग रहा होगा, पर मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इतना कहते हुए वो ऑफिसर मित्सुओ के कंधों पर अपना हाथ रखते हैं। वो कहते हैं, अब हमें अपनी ये कन्वर्सेशन यहीं एंड करनी चाहिए, अब तुम जाकर आराम कर सकते हो। और बर्डमैन अब मित्सुओ को उसके रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। रास्ते में मित्सुओ बर्डमैन से कहता है, इतनी बड़ी बात कि आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे? शायद अगर मैं तुम्हें ये पहले बताता तो तुम यहाँ आने के लिए कभी भी राजी नहीं होते। इस बात का मित्सुओ कोई जवाब नहीं देता। अब उसका रूम आ जाता है। बर्डमैन कहते हैं, मैं चलता हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुला लेना। मित्सुओ भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए गेट बंद कर देता है। वो अपना सूट उतारते हुए बेड पर जाकर लेट जाता है और फिर से पाको के बारे में सोचने लगता है। वो एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है, चाहे मैं वापस जा पाऊँ या फिर नहीं, पर मेरी आखिरी सांस तक पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। और यही सब सोचते हुए मित्सुओ को नींद आ जाती है। अब आप लोगों को बोर ना करते हुए हम कहानी को फास्ट फॉरवर्ड 10 साल आगे बढ़ाकर फ्यूचर में जंप करने वाले हैं, तो लेट्स गो टू फ्यूचर। अब 10 साल बाद, इन 10 सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका था। हमारा मित्सुओ पहले से कई गुना ज़्यादा जिम्मेदार बन चुका था। उसने इस पूरे समय में अपने काम के लिए अपना 100% दिया और आज इसी के चलते वो बर्ड प्लैनेट पर एक जाना माना नाम बन चुका था। उसे बर्ड प्लैनेट का बच्चा बच्चा जानता था। इन 10 सालों में मित्सुओ का प्यार अब जुनून बन चुका था। वो किसी भी हालात में अब पृथ्वी पर लौटकर अपने प्यार से मुलाकात करना चाहता था। मित्सुओ अपना मिशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था। आज अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद मित्सुओ बर्ड प्लैनेट के चीफ से डायरेक्टली जाकर मिलता है। वो उनसे कहता है, सर मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ। बर्ड प्लैनेट के चीफ कहते हैं,
बोलो मित्सुओ, तुम क्या कहना चाहते हो? मित्सुओ बोलता है, सर सालों पहले मुझे जिस काम के लिए यहाँ लाया गया था मैंने उस काम को पूरा किया। उसके बाद भी मैं यहाँ काफ़ी समय से मौजूद हूँ, पर अब मैं अपनी धरती पर लौटना चाहता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लीजिए। बट प्लैनेट के चीफ एक बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं। वो थोड़ी सी देर के लिए शांति बनाए रखते हैं, फिर वो साइलेंस ब्रेक करते हुए कहते हैं, मित्सुओ मैं तुम्हारे काम से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर यहाँ रोकना चाहता हूँ, पर रोकूँगा नहीं। तुम अब अपने प्लैनेट लौट सकते हो। चीफ की ये बात सुनकर मित्सुओ काफ़ी खुश होता है। वो उन्हें थैंक्स बोलते हुए वहाँ से बाहर आता है। मित्सुओ सीधा जाकर बर्डमैन से मिलता है। वो उनसे कहता है, चीफ ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं अर्थ लौट सकता हूँ। बर्डमैन भी ये जानकर काफ़ी खुश होते हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हें बुरा भी लग रहा था। नाउ आई विल टेल यू अ वेरी इमोशनल स्टोरी अबाउट बर्डमैन। हमारे बर्डमैन भी सभी की तरह एक फैमिली मैन हैं। वो अपने परिवार से काफ़ी प्यार किया करते थे, पर एक दिन एक बहुत बुरा हादसा हुआ जिसमें बर्डमैन ने अपनी वाइफ और अपने बेटे को खो दिया। उसके बाद से ही बर्डमैन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लोनली फील किया करते थे। लेकिन जब से हमारा मित्सुओ बर्ड प्लेनेट आया था, तब से बर्डमैन ने कभी भी अपने बेटे को एक बार भी मिस नहीं किया, पर आज उन्हें फिर से उसकी कमी खल रही थी। बर्डमैन मित्सुओ को गले लगाते हुए कहते हैं, आज मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा मित्सुओ। तुमने हमारे प्लेनेट और बाकी सभी के लिए अपना लगभग सब कुछ लगा दिया। हम सभी आज बस तुम्हारी वजह से जिंदा हैं। तुम जा सकते हो। इसके बाद मित्सुओ अपने रूम में आ जाता है। वो अर्थ लौटने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। मित्सुओ जितनी भी चीज़ें अपने पास ओन करता था वो उन्हें अपने साथ अर्थ पर बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता था। मगर इन सभी चीज़ों को हटा दें तब भी मित्सुओ के पास अपने साथ ले जाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद थी, जैसे कि ढेर सारा प्यार, अपनी काफ़ी सारी फीलिंग्स और पाकों का दिया हुआ क्यूट सा बायोस्कोप। एंड इन्हीं सभी एक्साइटमेंट्स के साथ मित्सुओ उस रात सो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सुओ अपनी शिप की तरफ जा रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो आज ही अर्थ के लिए निकल जाएगा। वो बर्डमैन और बाकी सभी को बाय कहते हुए बर्ड प्लेनेट को लीव करके निकल जाता है। रास्ते में मित्सुओ बस पूरे टाइम पाकों के ही बारे में सोच रहा था। वो बस अपने मन में उसे ही इमेजिन कर रहा था कि जैसे कि वो कितनी बड़ी हो चुकी होगी, क्या वो मुझे पहचान भी पाएगी या फिर नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुमीरे को देखते हैं। यूजुअली सुमीरे मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी उठ जाती है, पर आज उसका हॉलीडे है इसलिए वो काफ़ी देर तक सोती रहती है। कुछ देर बाद सुमीरे को उठाने के लिए उसकी मैनेजर रूम में आती हैं। वो कहती हैं, मिस सुमीरे उठ जाइए, आज दोपहर में आपकी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। वो हल्की सी आवाज़ में जवाब देती है, पर आज तो संडे है ना, सुमीरे की मैनेजर बोलती है। लेकिन आपने इस वीक का शेड्यूल टाइट होने की वजह से संडे को भी एक मीटिंग के लिए हाँ कहा था और आपको आज उसी मीटिंग को अटेंड करना है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। सुमीरे कहती है, अच्छा ठीक है, और वो बाथ लेने के लिए वॉशरूम में चले जाती है। इन 10 सालों में सुमीरे की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी। वो परमानेंट की ड्यूटी छोड़ चुकी थी क्योंकि मित्सुओ के जाने के बाद उसके काम में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही थी, और साथ ही साथ सुमीरे अपने करियर पर भी फोकस करना चाहती थी, इसलिए उसने बर्डमैन से बात करके अपनी ड्यूटी को लीव कर दिया। आज के समय सुमीरे जापान की काफ़ी जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी थी। वो साल में लगभग एक ही फिल्म रिलीज किया करती थी और वो हमेशा सुपर डुपर हिट जाया करती। आज सुमीरे एक काफ़ी फेमस ब्रिटिश बेस्ड डायरेक्टर डेमन से मिलने वाली है। वो सुमीरे को काफ़ी टाइम से मिलने के लिए इंसिस्ट कर रहा था और आज सुमीरे फाइनली उसे टाइम देने के लिए जा रही थी। सुमीरे अपना बात कंप्लीट करने के बाद रेडी होने के लिए रूम में आती है। वो अपने कबर्ड के सामने ड्रेसेस को देखते हुए डिसाइड करने लगती है कि वो आज क्या पहने, कि तभी उसकी नज़र सामने रखी मित्सुओ की फ़ोटो पर जाती है और उसे याद आता है कि मित्सुओ का फेवरेट कलर ब्लू है, इसलिए वो आज ब्लू कलर की ड्रेस पहनने का फैसला करती है। रेडी होने के बाद सुमीरे किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। वो अपने आप को मिरर में देखते हुए कहती है, काश आज मित्सुओ मेरे साथ होता तो वो मुझे देखकर न जाने मेरी कितनी तारीफ़ करता।
वो अपनी मैनेजर को आवाज़ लगाते हुए कार को रेडी करने के लिए कहती है। मैनेजर भी सुमीरे के ऑर्डर पर कार को रेडी कर देती है। अब सुमीरे जाकर अपने मैनेजर के साथ कार में बैठती है और डायरेक्टर डेमन से मिलने के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में वो डिसाइडेड स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। डेमन ऑलरेडी सुमीरे का वेट कर रहा था। उसे देखते ही वो हक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुमीरे दूर से ही उसे हाय कहती है, क्योंकि हमारी सुमीरे वन मैन वुमेन है। उनके कल्चर में ये सब काफ़ी आम है, पर सुमीरे इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, जो दिखाता है कि वो आज भी मित्सु के लिए कितनी ज़्यादा लॉयल है। वो डेमन के ठीक सामने बैठती है। वो कहता है, तो तुमने मुझसे मिलने के लिए वक्त निकाल ही लिया सुमीरे? सुमीरे कहती है, हाँ। तो बताइए सर कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है कि आप मुझसे मिलने के लिए इतना ज़्यादा बेताब होए जा रहे थे? डेमन बोलता है, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? सुमीरे कहती है, ये ऑफिशियल टॉक्स है ना, इसलिए शायद मेरी मैनेजर का यहाँ पर होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेमन कहता है, ये ऑफिशियल नहीं, थोड़ी सी पर्सनल टॉक्स है, इसलिए क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से जा सकती है? सुमीरे भी अपनी मैनेजर को जाने का इशारा करती है और मैनेजर पास ही के टेबल पर जाकर बैठ जाती है। डेमन बोलता है, मैं तुमसे कुछ पर्सनल बातें शेयर करना चाहता हूँ सुमीरे। सुमीरे कहती है, बोलिए सर। डेमन बोलता है, पहले तुम मुझे ये सर वगैरह बोलना बंद करो सुमीरे, तुम मुझे सिंपली मेरे नाम से बुला सकती हो। सुमीरे कहती है, ओके, तो बताइए आप मुझसे क्या बातें शेयर करना चाहते हैं? डेमन बोलता है, सुमीरे एज़ यू नो कि मैं कितना जाना माना डायरेक्टर हूँ, मेरे अंदर जो भी आर्टिस्ट अपनी फिल्म करता है उसकी फिल्म रेगुलर बेसिस से कई ज़्यादा कमाती है, और इस बार मैं ये चांस तुम्हें देना चाहता हूँ। सुमीरे कहती है, अच्छा, तो आप मुझे फिल्म के लिए ऑफर करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप कल मेरे ऑफिस आ जाइए और हम आगे की बातें वहीं कर लेते हैं। डेमन बोलता है, क्या तुम्हारे हिसाब से मेरी फिल्म ले पाना इतना आसान है? तुमसे भी बड़े स्टार्स मेरी फिल्म में आने के लिए तरसते हैं सुमीरे, तो क्या मेरी फिल्म में आना तुम्हारे लिए इतना आसान हो सकता है? शायद नहीं। सुमीरे बोलती है, आप कहना क्या चाहते हैं? डेमन बोलता है, तुम्हें बस मेरे साथ कुछ क्वालिटी टाइम अकेले में स्पेंड करना है और मेरी आने वाली वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फिल्म जो कि तुम्हारे करियर में चार चांद लगा देगी वो तुम्हारी हो जाएगी। डेमन की ये बात सुनकर सुमीरे कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन आफ्टर अ मोमेंट वो साइलेंस ब्रेक करते हुए कहती है, मैंने इंडस्ट्री में आपके बारे में बहुत सुना है कि आप अपनी को एक्ट्रेसेस को, अपने क्रियो की लड़कियों को और यहाँ तक कि बाकी के एक्ट्रेस को भी काफ़ी बुरी तरह ट्रीट करते हैं। डेमन बोलता है, पर उन सभी बातों का यहाँ पर लेके आना क्या दिखाता है सुमीरे? सुमीरे बोलती है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपके लिए ये फिल्म नहीं कर सकती, और वो टेबल लीव करके वहाँ से जाने लगती है। डेमन बोलता है, शायद तुम जानती नहीं हो कि इस तरह से मेरे सामने से उठकर जाना तुम्हें कितना महंगा पड़ सकता है सुमीरे होशिनो, इसलिए मेरी बात मानो और अपनी जगह पर आकर बैठ जाओ। और सुमीरे अपने आप को काम डाउन करते हुए अपनी जगह पर बैठ जाती है। डेमन बोलता है, मैंने तुम्हें सिंपली एक ऑफ़र दिया है जो तुम रिजेक्ट नहीं कर सकती। सुमीरे बोलती है, अगर मैंने ये रिजेक्ट कर दिया तो? डेमन कहता है, मेरी एक फिल्म के जाने से शायद तुम्हें इतना लॉस ना हो, पर शायद तुम ये नहीं जानती कि मेरी इंडस्ट्री में कितनी पहचान है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा करियर एक झटके में हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास ना बोलने का ऑफर नहीं है सुमीरे, तुम्हें मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना ही होगा, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इतना कहते हुए डेमन सुमीरे का हाथ पकड़ लेता है। अब सुमीरे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि डेमन ने उसका हाथ पकड़ के सारी हदें पार कर दी थी। वो गुस्से के साथ अपनी जगह से खड़े होते हुए तेजी के साथ डेमन को एक चाटा लगाती है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? क्या कहा तुमने कि मेरे पास ना करने के लिए कोई भी ऑफर नहीं है? तो सुन लो मेरा जवाब, मैं तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करने वाली, जो कर सकते हो कर लो, अगर तुम्हारी थोड़ी सी रिस्पेक्ट ना करती तो आज तुम्हें पुलिस के हवाले कर देती। इतना कहते हुए सुमीरे उस जगह को लीव कर देती है। ये चांटा डेमन के मुंह पर नहीं, उसकी ईगो पर था। आज पहली बार किसी ने उसके साथ इस तरह बिहेव करने की हिम्मत की थी। पास खड़े सभी लोग बस डेमन को ही देख रहे थे, वो भी गुस्से के साथ
उस जगह को लीव कर देता है। सुमेरे भी ऑलरेडी अपनी मैनेजर के साथ कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल चुकी थी। रास्ते में सुमेरे की मैनेजर भी सुमेरे की हिम्मत की दांत देती है। वो कहती है इंडस्ट्री में डेमिन की काफ़ी धाक है, जिसके चलते वो काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस को ब्लैकमेल करता है, उनके साथ गलत व्यवहार करता है। पर आई एम प्राउड ऑफ यू मिस सुमेरे कि आपने अपने साथ ऐसा नहीं होने दिया, आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है। मगर सुमेरे अपनी मैनेजर की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और कुछ ही देर में वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। सुमेरे घर पहुंचकर अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है और बेड पर लेटकर एक बहुत गहरी सोच में चले जाती है। दिन से कब शाम हो जाती है पता तक नहीं चलता। शाम के बाद सुमेरे वॉक करने के लिए कुछ देर तक बाहर रहती है, लेकिन उसके बाद फिर से वो अपने रूम में चली जाती है। आज उसके दिल में एक बात खटक रही थी, उसे बस अपने सवालों का जवाब चाहिए था। उसके दिल में बस एक जवाब था, क्या जिसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ वो कभी वापस आएगा भी? क्या मैं उससे कभी मिल भी पाऊँगी, या फिर इस तरह मैं बाकी सभी से भागती रहूँगी शायद, हाँ या फिर नहीं? और इन्हीं सभी सवालों के साथ आज की रात सुमेरे सो जाती है। पर वो नहीं जानती कि कल वो किसी ऐसे इंसान से मिलने वाली है जिससे मिलने के लिए उसने अपने लाइफ के 10 साल बिता दिए हैं। मित्सुओ भी ऑलमोस्ट अर्थ पर पहुंच चुका था एंड अगले दिन की सुबह होते ही मित्सुओ अर्थ पर अपना पहला कदम रखता है। बर्डमैन ने मित्सुओ से उसका सूट तो ले लिया था, पर अभी भी मित्सुओ के पास उसका बैज मौजूद था। वो अपने पास एक शिप भी रख सकता था ताकि इम्पोर्टेंट होने पर वो फिर से बर्ड प्लैनेट जा सके। वो अपनी शिप को उसी जगह पर इनविजिबल मोड में डालते हुए शहर की तरफ निकल जाता है। शहर इन 10 सालों में काफ़ी हद तक बदल चुका था। मित्सुओ कई चीज़ों को काफ़ी ध्यान से देख रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो उस चीज़ की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी मित्सुओ। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।